तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। नहीं। वीडियो का सबटाइटल देख के ये पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि दो जानी दुश्मन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो? आई डोंट थिंक कि फिल्मों के अलावा आपने कुछ ऐसा देखा होगा, या देखे तो सभी होंगे लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा। जी हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब सबटाइटल देख ही लिए हो तो इतने समझदार तो आप हो ही कि समझ जाओ। अब कुछ लोग होंगे जो मेरी बातों से एग्री नहीं करते होंगे, तो मत करो एग्री, मुझे क्या। ये तो हो गई मजाक वाली बात। सीरियसली, ये जो भाई और बहन का रिश्ता होता है ना, ये जितने एक दूसरे के दोस्त होते हैं उतने ही बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए कभी कभी समझ नहीं आता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आप सब तो अपने घर में ऑलरेडी झगड़ते तो होंगे, अपने सिबलिंग से तो समझते ही होंगे। अब सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ बातें को बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी बात आपसे रिलेटेड थी। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी बहन की। सच बताऊं तो दुश्मन वाली बात ना मैं मजाक के सीन में बता रहा हूं। सही बात तो यह है कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है। कभी कभी ये डांटती भी है और कभी कभी कूट भी देती है। अपनी बचपन की बातें याद करता हूँ तो याद आता है कि छोटी छोटी बातों पर हम दोनों का लड़ाई हो जाता था। वो मुझे मुक्का मारती थी तो मैं लातों से मारता था। अब यकीन होता है कि मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी। वैसे भी मैं हिसाब से ही मारता था, उतना ज़्यादा जोर से नहीं मार देता था। उसके अलावा वो बचपन में हमेशा मेरे से जीत जाती और मैं रोने लगता था और मम्मी से कंप्लेन करके उसे मार खिलवा देता था। अब हम बड़े हो गए लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऑब्वियसली टीवी के रिमोट के लिए झगड़ा हो ही जाता है। बचपन में वो जीत जाती थी तो मैं रोने लगता था और मम्मी से कंप्लेन करके उसने मार खिलवाता था। अब मैं जीत जाता हूँ तो वो रोने लगती और पापा से कंप्लेन करके मुझे मार खिलवाती। इसके अलावा कुछ और बातें भी है, जैसे बचपन में हमारा झगड़ा हुआ रहता था फिर भी अगर कोई मुझसे लड़ाई करता था तो मेरे तरफ से वो खड़े होकर उससे लड़ती थी मुझे बचाने के लिए। और अभी झगड़ा भी हुआ होता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो मेरे लिए खाना नहीं बनाए या मेरे कपड़े साफ ना करे। इसलिए तो कहता था कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है। कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरी एक बड़ी बहन है, मैं उनके लिए थैंकफुल रहूँगा। इनके बाद आते हैं कज़न, जो हमारी बहन तो होती हैं लेकिन हम कई बार उनसे ज़्यादा इंट्रैक्शन ना होने के कारण उनकी बहुत सी बातों को नहीं जानते होते। तो समझ जाओ यहाँ भी वही सीन होता है, कभी जानी दुश्मन तो कभी सच्चे दोस्त। अब हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगेगी। ये भी होता है कि उनके कौन सी बात को हम बुरा मान के बैठे होते हैं। ना तो हम उन्हें कभी कॉल करते हैं और ना ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन टाइम एक अच्छी मेडिसिन होती है जो गहरे से गहरे भरे जख्म को भी भर देती है। तो बस हम कब मान जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कज़न सिर्फ कज़न कहने के लिए होते हैं, बस प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं होता, लेकिन होते हैं वो भी हमारे भाई और बहन ही। उसके बाद हम कुछ रिश्ते अपने से बनाते हैं। नहीं, मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुँह बोली बहनों की। वैसे तो रिश्ते बनाना अच्छी बात है, मैं इसके खुले दिल से समर्थन करता हूँ। लेकिन सच बोलूं तो ऐसे हर किसी को भाई और बहन नहीं बनाना चाहिए। हर बंदा या हर बंदी आपका भाई और बहन डिजर्व करे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो बनते हैं वो अजनबी लोग, चाहे वो कॉलेज की हो या ट्यूशन की, वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों का झगड़ा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जान लेने के बाद उन लोगों से बहुत भयंकर झगड़ा होता है। आखिर झगड़ा और शिकायतें तो अपनों से ही होती है ना, गैरों से क्या शिकायतें। बैठ 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 1 मिनट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका कभी लड़ाई नहीं हुआ मुंह बोली भाई और बहनों से, तो इसका मतलब कि आपका रिश्ता सच्चा नहीं है। कभी कभी दोनों लोग इतने मैच्योर होते हैं कि वो भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हम बस कुछ दिनों के लिए ही एक रिश्ते में। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद वो कहाँ और हम कहाँ कुछ पता नहीं, बस फेसबुक व्हाट्सएप का ही सहारा रह जाएगा। और फिर तो बस कभी कभी एक दूसरे को मिस करेंगे, तो अभी वाली टाइम में क्या झगड़ा करना। वैसे ये समझदारी वाली बात मैं अपने आप को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। कितना अजीब बात है ना, अजनबी लोग भी इतने स्पेशल हो जाते हैं कि सच में लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद कुछ छूटा तो नहीं? अरे हाँ, सबसे शैतान वाले लोग तो छूट ही गए। अरे सॉरी, मतलब मेरा मतलब है छोटी वाली बहन। मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है और छोटी बहन दादी माँ की तरह होती है। ये दुनिया में ना तुम्हें परेशान करने के लिए ही आती है। बचपन में मम्मी से शिकायत, बड़े होने के बाद पापा से शिकायत। बड़ी बहन से तो टीवी का रिमोट छीना जा सकता है, लेकिन छोटी बहन से
उसके बाद ये रोने लगेगी और तुम्हारी बैंड बज जाएगी। रोना तो इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी कभी आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो भले ही आप पहली बार बात कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, ये फिर भी चिढ़ाना शुरू कर देंगी। लेकिन इन सब के बाद इनके प्यार में कभी कमी नहीं होती। ऐसे भले ही ये कभी आपको एक गिलास पानी ना दे, लेकिन जब भी परेशानी में हो तो ये आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज के लिए इतना ही। वैसे भी मुझे लग रहा है वीडियो शायद लंबा ना हो जाए, बस इसलिए एक छोटी सी कविता के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। कभी मैं तुम्हें पीटूं तो कभी मुझे पापा से पिटवाया जाता है। मैं रिमोट छीन लूं तो मेरा मोबाइल का डाटा खत्म कर दिया जाता है। झगड़े के बाद भी राखी वाले दिन याद तो आता है। एक्चुअली यही तो भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। आई नो पोएम अजीब लगा होगा, पर कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और जिनसे जिनसे आप लड़े हो उसे जाके मनाओ। मैं भी जा रहा सेनोरिटा को मनाने और IPL देखने। बाय भाईजान, सब्सक्राइबर मिलेगा, सब्सक्राइबर।